Good morning, friends, and welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions. In our episode today, we will be talking to a very senior transporter from Kolkata, Mr. Santosh Saraf, who has been in the road transport business for more than 5 decades now. But first, let's take a look at some developments happening in infrastructure across India under the guidance of Ministry of Road Transport and Highways, being led by the highwayman, Mr. Nitin Gadkari. Here are excerpts from Driving Growth, a monthly report card by the Ministry of Road Transport and Highways. प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला और किया लोकार्पण। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अवार्ड किया गया MMLP चेन्नई को विकसित करने का कार्य। श्री नितिन गडकरी ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को दी कई परियोजनाओं की सौगात। मंत्रालय ने कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने का लिया संकल्प। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 6 लेन के ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के आंध्र प्रदेश खंड और कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन को जोड़ने वाली एक डेडिकेटेड पोर्ट रोड की आधारशिला रखी। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं डेडिकेटेड पोर्ट रोड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के औद्योगिक नोड से विशाखापट्टनम बंदरगाह एवं चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे के बीच संपर्क प्रदान करेगा। डेडिकेटेड पोर्ट रोड विशाखापट्टनम में स्थानीय और बंदरगाह से जुड़े माल यातायात को अलग करके यातायात की भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री ने श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के रूप में NH 326A के नरसन्नापेटा से पथापट्टनम खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में विभिन्न हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मंत्रालय के सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री को उन परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया। मंत्रालय ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क चेन्नई को विकसित करने का कार्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अवार्ड कर दिया है। भारत माला परियोजना के तहत PPP के आधार पर मंत्रालय की यह पहली MMLP परियोजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 26 मई को इस परियोजना की नींव रखी थी, जिसकी अनुमानित लागत 1,424 करोड़ रुपए है। यह 184 एकड़ क्षेत्र में तमिलनाडु के तिरुवल्लूर चेन्नई में विकसित की जा रही है, जो कि चेन्नई पोर्ट से लगभग 52 किलोमीटर, एनोर पोर्ट से 80 किलोमीटर और कट्टुपल्ली पोर्ट से 87 किलोमीटर और चेन्नई हवाई अड्डे से 44 किलोमीटर दूर स्थित है। MMLP को 3 चरणों में विकसित किया जाएगा तथा पहले चरण को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जब से वाणिज्यिक संचालन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क संपर्क के जरिए मध्य प्रदेश की प्रगति को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से जबलपुर में 4,054 करोड़ रुपए की लागत वाली 214 किलोमीटर लंबाई की कुल 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मंडला में 1,261 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 329 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री नितिन गडकरी ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली आगामी नई परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। गुवाहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सड़कें, रोपवे, आरओबी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं अन्य जल निकायों पर बड़े पुल शामिल हैं। श्री गडकरी ने कहा कि त्रिपुरा के उदयपुर और असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी की कमी को पाटने और इस क्षेत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में सरकार तत्पर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने मंत्रालय में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि अन्य भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए।
उन्होंने इसके लिए समय सीमा बनाकर काम करने की बात कही। इस बैठक में मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार और उपयोगिता के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने पत्रावलियों में सरल हिंदी का प्रयोग करें, जिससे इसके प्रयोग में आसानी हो सके। सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि NHAI में तकनीकी शब्दों का एक शब्दकोश बनाया गया है, जिसके उपयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। संयुक्त सचिव श्री SP सिंह ने मंत्रालय द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से विवरण दिया। इस बैठक में संसद सदस्य श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री S मुनि स्वामी, निदेशक श्री परेश गोयल, NHAI सदस्य श्री आलोक कुमार एवं श्री R.K. पांडे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बक्सर में 3,390 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि NH-922 पर 1,662 करोड़ रुपए की लागत से 44 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला कोइलवर से भोजपुर खंड तैयार किया गया है। NH-922 पर 48 किलोमीटर 4 लेन भोजपुर से बक्सर खंड 1,728 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इन दोनों के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी आसान होगी। इससे बिहार से लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने में लगने वाला 15 घंटे का समय अब घटकर 10 घंटे हो जाएगा। श्री गडकरी ने रोहतास में सोन नदी पर पंडुका के पास बनने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे 2 लेन के एलिवेटेड RCC पुल का भी शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 210 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से अहमदनगर शहर के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पर 331 करोड़ रुपए की लागत वाले व 3.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड स्ट्रक्चर फ्लाईओवर के निर्माण का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर स्थानीय यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात को पृथक करेगा, जिससे शहर में यातायात की भीड़ की समस्या का समाधान होगा और इससे दुर्घटना की संख्या में कमी लाने में मदद मिलेगी। संविधान दिवस के अवसर पर मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने परिवहन भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का नेतृत्व किया। इस अवसर पर संयुक्त सचिव कोऑर्डिनेशन श्री कमलेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव लॉजिस्टिक्स श्री SP सिंह समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। There is no doubt that road development is happening at lightning pace in India. And even though the burden of toll tax is increasing for the road users, the benefits are there for everyone to see, which includes faster journey, less stoppages, less fatigue, and lesser maintenance of the vehicles. So while the infrastructure landscape is changing at a very fast pace across India, how much has road transport changed over the years? We will be talking to Mr. Santosh Saraf from Road Cargo Movers Private Limited after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. Mahindra ye guarantee dete hain ki unka Blazo X sabse zyada mileage deta hai, warna kar dijiye truck wapas. सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन! महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन! महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो, महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back, friends. You are watching Trans India, real people, real emotions.
We are in conversation today with Mr. Santosh Saraf, a veteran in the road transport industry who has seen many changes over the last 5 decades. Born on 23rd June 1952, Santoshji is a commerce graduate. So let's dive into the journey of Mr. Santosh Saraf, who is very critical of the startups in the logistics industry and also believes that transporters are honest businessmen. Santoshji is a very senior member in Calcutta Goods Transport Association and is also a managing committee member of All India Motor Transport Congress and All India Transporters Welfare Associations. Welcome to Trans India, Santoshji. सबसे पहले बताइए आप रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कब आए और कैसे आए? देखिए मैंने पहले जॉब किया ट्रांसपोर्ट में, एक आरटीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, एक गोयल रोडवेज में था। इसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैं करीबन 50 साल से इस रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ। आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस इंडस्ट्री में? देखिए पहले एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत कठिन था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिनंशली बहुत हम लोग कंफर्ट जोन में थे। आज की जो पोजीशन है, आज एग्जीक्यूशन बहुत इजी होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन प्रॉफिट ना के बराबर होता जा रहा है। हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। संतोष जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के टिपिकल चैलेंजेस क्या हैं? इसमें देखिए बहुत हैं चैलेंजेस। रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक तो हमारे साथ कंपटीशन में रेलवे एंड वाटर ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सेकेंडली सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस होता जा रहा है, हमारे स्टार्टअप के बहाने लोग, कई कंपनियां यहां पर इस इंडस्ट्री में आ गई जो कि फॉरेन से पैसा ला रही हैं, बहुत कम इंटरेस्ट में ला रही हैं, वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग लॉस में काम कर रहे हैं। उनका फंडा यही है कि हम हमारे शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, और वो शेयर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं और अपना शेयर्स बेच के निकल जाते हैं, और वो लॉस जो है उनके साथ हम लॉस में कंपटीशन में हम कर ही नहीं पा रहे हैं। ये सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि अनहेल्दी कंपटीशन हो रहा है, पब्लिक का पैसा वो लोग इनडायरेक्टली यहाँ से लेकर के चले जा रहे हैं, हमारे देश का पैसा बाहर लेके चले जा रहे हैं। इसके ऊपर में सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। दूसरा, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि GST ला करके हम लोगों को काफ़ी कुछ हद तक बचा दिया है, मूवमेंट थोड़ा ईजी हो गया है। साथ ही साथ रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई है, लेड एंड वेट उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, इससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा भी हुई है। आज रोड वगैरह की जो पोजीशन है, जो पहले जिस डिस्टेंस को हम 24 घंटा लग रहा था, वो आज 12 घंटा 14 घंटा में डिस्टेंस कवर हो रहा है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि और भी कम समय लगेगा, तो नेचुरली कि कॉस्टिंग कम हो जाएगी। लेकिन मैं एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को हमेशा सुनता हूँ, उनका ऑलवेज ये कहना रहता है कि हमारे देश में कॉस्ट GDP का 14% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, जबकि बाहर में 10% है। मेरा उनसे अनुरोध है आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ भी आज के समय में 10% हो गया है। हमारे यहाँ क्यों 14% हो रहा है, इसमें अभी भी हमारे जो कस्टमर्स हैं वो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, पेमेंट के अनशेड्यूल पेमेंट के इंटरेस्ट, वो सभी इसमें इंक्लूड है इस 14% में। यदि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हमारे यहाँ भी 10% है। हम भी फॉरेन की तरह, हम भी दूसरे देशों की तरह, हम भी कंपटीशन में हैं। हमारे यहाँ भी 10% से बेसी हमारे यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। इनफैक्ट संतोष जी, डिलेड पेमेंट्स भी जो ट्रांसपोर्टर्स को आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट फैक्टर। साथ ही साथ एक और चीज़ बताइए, क्या MSME में रजिस्टर होना रियली एक ट्रांसपोर्टर के लिए फायदेमंद है? यस, डिले पेमेंट है वो भी एक कॉस्ट है। आज वो तो डिलेड पेमेंट तो कॉस्ट ही है। आज हमको तो एक इंटरेस्ट वगैरह, हमारे बैंक इंटरेस्ट वगैरह हमको तो देना पड़ रहा है। आज जैसे इनका गवर्नमेंट का ये कहना है कि MSME को 45 डेज में पेमेंट मिल जाना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। अब वो क्या चाहती है गवर्नमेंट कि आप हमारे पास कंप्लेन भेजो। मैं यदि किसी कस्टमर का कंप्लेन भेजता हूँ, नेक्स्ट डे वो मेरे को इनरोल कर देगा, हटा देगा हमको, तो मैं तो इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करने जाऊँगा। मेरी सरकार से ये गुजारिश है
या अनुरोध है कि वो अपने सिस्टम में देखे, बैलेंस शीट में देखे कि किसी का भी पेमेंट 45 डेज से ऊपर क्यों है, ऑडिट में पकड़े और उनके ऊपर में फाइन करें कि आप 45 डेज से ऊपर क्यों पेमेंट कर रहे हैं। तब इसके ऊपर में थोड़ी सी नज़र जाएगी, तब हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स इस चीज़ को ऊपर में ध्यान देगा। आज के टाइम में तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। संतोष जी, हम रेलवेज को एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन समझते हैं, लेकिन वाटरवेज को हम इतना सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम्स अब तक उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल से पोर्ट मूवमेंट कितना है? काफ़ी अच्छा हो गया। अभी एक कंपनी है, मेरे को कंपनी का नाम नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो हल्दिया से, यहाँ से हल्दिया से वो विशाखापट्टनम जा रही है, चेन्नई जा रही है वो सिर्फ उसकी, चेन्नई तूतीकोरिन कोचीन होते हुए बॉम्बे देन अगेन बैक। तो वो सोचिए एक शिप जा रही है, वो 10,000 टन माल लेके जा रही है, 10,000 टन्स, और वो 15 डेज में एक ट्रिप कर रही है। तो आप 20,000 टन से मंथ वो कैरी कर रही है, वो अकेली एक कंपनी कैरी कर रही है। संतोष जी, जब आपने आज से 50 साल पहले इंडस्ट्री ज्वाइन किया, उस वक्त इंडस्ट्री की वर्किंग कैसे थी? नहीं, उस समय तो हमारे ऊपर में ही पूरे कस्टमर विश्वास करते थे, रेलवे पर विश्वास नहीं करते थे। सिप की मैंने एवेन्यूज ही नहीं थी पहले तो, और रेलवे पर तो उनको एकदम ही विश्वास नहीं था कि मालूम नहीं कितने दिन में माल पहुंचेगा। तो और वो पैसेंजर ट्रेन के साथ तो कोई पार्सल वैन लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो हमारे ऊपर में ही सारे कस्टमर्स हमारे ऊपर में ही डिपेंड थे, हम ही लोग लेके जाते थे। कुछ नहीं था, इसके बावजूद भी पूरा विश्वास के ऊपर में काम चलता था और हम लोग भी पूरे ईमानदारी के साथ उनको सर्विस दे देते थे। बहुत अच्छा। जैसे आईटी डेवलप हुआ है, आपका वर्क प्रेशर कम हो गया, नेचुरली वर्क प्रेशर कम हो गया हमारा। आज के टाइम में हम हमारे ड्राइवरों के पास, सबके पास मोबाइल है, हम उनसे बात कर सकते हैं कि कहाँ पर खड़े हो, क्या बात है। वो लोग भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हमसे कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी हो गई है, वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये पोजीशन है, जो पहले एकदम नहीं था, लाइनें ही नहीं मिलती थी लोगों को। तो वो सब चीज़ें तो ज़रूर अच्छी हुई हैं। उससे जो है सो फास्ट मूवमेंट भी फास्ट हुआ है, GST के कारण मूवमेंट फास्ट हुआ है, अच्छी रोड के कारण मूवमेंट फास्ट हुआ है, तो अच्छी बात है। पहले लेड एंड वेट क्या था, पहले हम लोग के टाइम में 9 टन की गाड़ियाँ थी, आज वो 9 टन की गाड़ियाँ 35 टन की गाड़ियाँ बन गई, 4 टाइम्स हो गया। सोचिए आप, 9 टन से पहले अभी आज के टाइम में 16 टन हुआ, अभी 25 टन हुआ, 30 टन की भी गाड़ियाँ हैं, 35 टन की भी गाड़ियाँ हैं। पहले तो गाड़ियाँ कहाँ थी, पहले तो 9 टन मैक्सिमम था, 9 टन 10 टन्स। संतोष जी, आप कई एसोसिएशन से जुड़े हैं, कलकत्ता गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गया, AMTC हो गया, आयतवा हो गया, ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस कितने इफेक्टिव है, और इफ़ यू हैव टू गिव एनी सजेशंस एक इम्प्रूवमेंट के लिए या उन्हें मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, तो वो क्या होंगे? देखिए, इस पर मेरा कमेंट्स अच्छा नहीं रहेगा, मेरे को नहीं करना चाहिए। अभी हमारी जो नई जनरेशन जो आई है, जो लीडरशिप का जो रोल अदा होना चाहिए, वो ऑनेस्टली नहीं कर पा रही है। मैं तो कहूँगा उनका अपना एक पर्सनल एवोल्यूशन की बात आ रही है, इंडस्ट्री की बात नहीं आ रही है, जो कि आए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। आज के समय में हम यदि प्रॉपर वे में, कन्विंसिंग पावर में यदि हम रिप्रेजेंटेशन करें सरकार को और अपने कस्टमर्स को, तो मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। जो एक समय में तो हमारे यहाँ इलिटरेसी थी, लिटरेट लोग नहीं थे, अब तो आज के टाइम में लिटरेट लोग हैं, हम उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम उनको दे सकते हैं। सरकार भी, मैंने देखा है कि जो चीज़ जेन्युइन होगी उसको सुनेगी भी, लेकिन हमारा, मैं समझता हूँ हमारा रिप्रेजेंटेशन ही प्रॉपर वे में नहीं जा पा रहा है, हम लोग फोटो सेशन में ही रह जा रहे हैं। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को अप्रोच करना पॉसिबल है, और क्या गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट के जो आइडियाज़ या कंसेप्ट हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए ओपन है? यस डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ अप्रोचेबल। हम लोग प्रॉपर वे में अप्रोच नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है सो यदि हम लोग अप्रोच करेंगे तो बात सुनेगी, हम लोग अप्रोच करना नहीं जानते, हमको फाइंड आउट, वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले वाली टाइम नहीं रही, पहले हम लोग उनको अप्रोच करते थे, वो अप्रोच नहीं मानते थे तो हम स्ट्राइक पर जाते थे। आज का ज़माना अभी स्ट्राइक का नहीं रहा, आज का ज़माना हम लोग को मिल करके, उनसे बात करके, उनसे मीटिंग करके उनको समझाना होगा।
अभी कहीं कहीं ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को नेगलेक्ट कर रही है कि हम क्या सुनेंगे, ये लोग तो प्रॉपर नहीं बोलते, ये लोग खाली यूनियन की भाषा बात करते हैं। लेकिन वो बात उनको भी नहीं सोचनी चाहिए, उनको लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यदि गवर्नमेंट मिल करके यदि एसोसिएशन से बात करे तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। हम कभी भी गवर्नमेंट का मॉनेटरी नुकसान नहीं करना चाहते हैं। संतोष जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के साथ टेकअप करने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट से मैंने एक तो कहा कि मैंने कि फर्स्ट तो हम लोगों को ये स्टार्टअप के बहाने जो यहाँ पर आ रहे हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी गुड्स बुकिंग एजेंसीज में TDS का मुद्दा है। आज के समय में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हार्डली 5% है और 2.5 से 3% हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो रहा है। 2 से 2.5% हमारी एक नेट प्रॉफिट आ रही है। उस 2 से 2.5% प्रॉफिट में यदि हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 50.50% आ रहा है, जो कि 2% आज के टाइम में TDS ले रहे हैं। इस TDS में भी एक लकुना क्या है कि जो प्रोप्राइटरशिप हो उसे 1% ले रहे हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड है 2% ले रहे हैं। अरे भाई साहब, रेट तो वो प्रोप्राइटरशिप को भी वही मिल रहा है और प्राइवेट लिमिटेड को भी वही मिल रहा है, तो वाई दिस इज़ इन डिफरेंसेज? उसको प्राइवेट लिमिटेड को तो कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में हो सकता है। इसलिए मुझे पता नहीं है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ऐसा इन डिफरेंस ऑफ TDS रेट क्यों कर रखा है, आई डोंट नो। मैंने तो कई बार अप्रोच किया लेकिन इस बात पर उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। एक तो उनको एक कर देना चाहिए रेट, और रेट भी मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 0.50 करना चाहिए। और ट्रकर्स तो जितने भी हैं वो देखिए सब 2 गाड़ी 3 गाड़ी के मालिक हैं, जो आज गवर्नमेंट ने लॉ के अनुसार उनको छोड़ भी रखा है। तो मैं समझता हूँ कि TDS फ्रॉम द ट्रक हायर्स तो उनको एबोलिश कर देना चाहिए, उनको रखना ही नहीं चाहिए। गुड्स बुकिंग एजेंसीज के पास आप रखिए TDS टू ट्रैक द इकोनॉमी, टू ट्रैक द ट्रांजेक्शन्स, बट उसका 0.50 से बेसी तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। अब आज 2% यदि हम दे देंगे तो हमारा तो टोटल प्रॉफिट जो है सो वहाँ ब्लॉक हो गया, तो हम, हमारी कैपिटल ही नहीं है, हम काम कैसे कर पाएंगे? आज छोटे ट्रांसपोर्टर्स तो हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे इनको बचाएं। कम से कम आज सब सेक्टर को वो दे, हम तो कोई राहत की मांग नहीं कर रहे, हम तो कोई सब्सिडी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन हमको राहत इस मामले में तो चाहिए। हमारा जो टैक्स बनता है वो ले लो, आप TDS के माध्यम से ले लो, डायरेक्ट ले लो। एक तो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है सरकार के दिमाग में, ये चीज़ है कि ट्रांसपोर्टर सब जो है वो गलत काम करने वाले हैं, वो सब 2 नंबर ही काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब आज के टाइम में अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्टर्स आ गए, लिटरेट लोग आ गए, पढ़े लिखे लोग आ गए, और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बनते जा रहे हैं। वो लोग कोई भी गलत काम करने वाले, हर सेक्टर में 5-10% लोग होते हैं, वो हमारे यहाँ भी होंगे, लेकिन 90% लोग ऑनेस्टली अभी काम करना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। और एक मेरा सुझाव है सरकार को कि 5 नंबर जो है RC बुक पर ही मैंडेटरी कर दें। आज 5 नंबर तो ले रहे हो, बिना 5 नंबर के तो कुछ नहीं है। तो 5 नंबर को, जिससे पेपर वर्क हम लोगों का बहुत कुछ बच जाएगा, यदि 5 नंबर यदि मैंडेटरी कर देती है RC बुक पर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने काफ़ी मुद्दा पर उठाया लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार जब मीटिंग करते हैं तो मानती भी है कि हाँ, यस दिस इज योर वैलिड पॉइंट, लेकिन कर नहीं पा रही। दोस्तों, हालांकि रोड ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्री के लिए, हर हाउस होल्ड के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो इमेज है या रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जो रिस्पेक्ट, जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है इसके? संतोष जी, जो इस इंडस्ट्री के एक वेटरन है, जो 50 सालों से इंडस्ट्री को देखते आ रहे हैं, वो इस सवाल का जवाब देंगे हमें। रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का इमेज और साथ ही साथ GST से रिलेटेड इश्यूज पर हम बात करेंगे संतोष जी के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो X सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है, एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो
एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो, महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। एक बार फिर स्वागत है आप सबका टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। हम बात कर रहे हैं आज संतोष सराफ जी के साथ, जो इस रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से पिछले 50 सालों से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इतना अच्छा काम कर रही है, हर घर तक सामान पहुंचा रही है, हर इंडस्ट्री तक रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, इतना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आज भी इंडस्ट्री का जो इमेज है वो पॉजिटिव नहीं रहा है, क्या कारण है इसके? तो यही इसीलिए बना हुआ है कि ट्रांसपोर्टर्स वो पहले से जो इमेज, उसको हम लोग नहीं ठीक कर पा रहे। आप देखिएगा, आज मैं एक बार फॉरेन गया था तो वहाँ बस का जो ड्राइवर था वो भी, मैं जहाँ 5 स्टार में रहा था वो भी 5 स्टार में आ रहा है। आप अपने ड्राइवर को कैसे बिहेव करते हो प्राइवेट कार के? तो हम लोग को तो वो ड्राइवर के हिसाब से ही समझते हैं आज कि ड्राइवर है, इसलिए वो लोग उस चीज़ का इमेज हमारा अभी भी वही बना हुआ है। आज वो पुलिस वाला भी हमको गाली दे रहा है, और एक वो एरिया का जो एक टोल छोकड़ा है वो भी हमें गाली दे रहा है, कस्टमर भी गाली दे रहा है। अब कितने कस्टमर से मैंने अप्रोच किया, अरे भाई हमारे ड्राइवर आ रहे हैं, उनके लिए 100 स्क्वायर फीट का एक रूम तो बना दो आप, जिसमें वो रह सके, बैठ सके, पंखा तो लगा दो आप, वो भी नहीं कर रहे हैं। वो सर ड्राइवर है, क्या है, गाड़ी में बैठेगा, बाहर चला जाएगा। नेग्लेक्टिंग की जो भावना है वो हमारे देश में, वो कल्चर को हम लोग उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन संतोष जी, एज एन इंडस्ट्री क्या हमने इस इमेज को चेंज करने की कोशिश की है? यस, हम लोग बोलते हैं बहुत जगह अच्छा हुआ भी है, मैं ये नहीं कह सकता, बहुत जगह अच्छा हुआ भी है, बहुत पार्टियां कस्टमर समझते भी हैं कि ठीक है। मैं एक कस्टमर की बात कर रहा हूँ, एक कस्टमर की गाड़ी नहीं पहुँच रही थी तो मैं बार बार टेलीफोन कर रहा था ड्राइवर को, फिर बाद में उस कस्टमर ने कहा नहीं ठीक है मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब आप उसको तंग मत करना, नहीं तो ड्राइव कर रहा है कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको जाने दीजिए आप। ये उसकी सोच थी उस ऑफिसर की कि जाने दीजिए आप, नहीं तो दूसरा ऑफिसर अभी बताओ, 1 घंटे में बताओ कहाँ है गाड़ी, कैसे है गाड़ी। ऐसे भी लोग हैं, तो हर समय तरह के लोग हैं। एक अच्छा ऑफिसर था, बोला नहीं नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेट हिम गो। संतोष जी, GST ने कितना हेल्प किया है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को? नहीं, GST ने बहुत हेल्प किया है। हमारे जो पहले जो ये फॉर्म वगैरह मिलते थे स्टेट वाइज अलग अलग, वो एक्सपायर होते थे, चेंज करना पड़ता था। आज के टाइम में हमें जो पेपर, जो प्रॉपर पेपर, वो लोडिंग पॉइंट पर ही मिल जा रहा है, तो हमारे को कोई भी वो इंटरप्शन हर बॉर्डर पर नहीं है। बस उसमें एक ही असुविधा हो रही है अभी भी कि इलिटरेसी तो है, निग्लिजेंसी भी है, कभी कभी वे बिल एक्सपायर हो जा रहा है और हम उसको रिन्यू नहीं कर पाए, तो उसमें यदि कोई ऑफिसर गाड़ी पकड़ लेता है तो वो ह्यूज पेनल्टी करता है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। हमने एक अप्रोच भी किया, एक यदि एविएशन ऑफ टैक्स नहीं है, आपको लगता है एविएशन ऑफ टैक्स नहीं है, तो कम से कम आप उसको एक टोकन पेनल्टी 500,000 रुपया दे करके छोड़ दीजिए, ऐसा लॉ भी है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को, लॉ को अपने इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, जबकि हमारा तो कुछ भी उसमें नहीं है। अभी आज 100 में 1% तो क्लरिकल मिस्टेक हो ही सकती है, तो उसको भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, जबकि इसको मानना चाहिए। अभी देखिए एक और हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है गुड्स बुकिंग एजेंसीज में, ये जो फाइनेंसर्स हैं वो गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, वो लोडेड गाड़ियों को पकड़ रहे हैं, जबकि उनको ये पकड़ना चाहिए कि लोडेड गाड़ी को ना पकड़े, माल के साथ तो उनका कुछ भी लेन नहीं है, उनको गाड़ी पर लेन है, आप माल को डिलीवरी करवा दीजिए फिर गाड़ी को पकड़ लीजिए आप। ऐसा पहले भी कितनी बार होता है, हम लोगों ने कोर्ट से भी बात की है, लेकिन कोई भी फाइनेंस कंपनी इस चीज़ को मान नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ सभी फाइनेंस कंपनियों को कि भाई आपने गाड़ी पकड़ ली, उसमें एक आदमी अपना रिप्रेजेंटेटिव भिजा करके अनलोडिंग पॉइंट तक भिजा दो और उसको माल को अनलोड करने दो, उसके बाद आप गाड़ी को ले आओ, आप सीज कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब वो गाड़ी वहाँ खड़ी है, उसमें वे बिल का प्रॉब्लम हो जाता है, परमिट एक्सपायर हो जा रही है, हम उस माल को लेते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग फिर दूसरी गाड़ी में भिजवाना, वो हमारे लिए कितना बड़ा खर्चा है। हम कमा रहे हैं 2,000, हमारा खर्चा हो जा रहा है 20,000 रुपया।
आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक इसके ऊपर में अंकुश लगना चाहिए कि कोई भी फाइनेंस कंपनी लोडेड गाड़ी को ना पकड़े, या पकड़ती भी है तो वो अपना एक आदमी भेज दे अनलोडिंग पॉइंट तक, उसको अनलोड करा करके ले आओ। संतोष जी, जीएसटी के अंदर ऐसे कई ट्रांसपोर्टर हैं जो आरसीएम में है, कुछ एफसीएम में है, क्या आपको लगता है फ्रॉम अ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू, सारे ट्रांसपोर्टर्स एक ही सिस्टम में होने चाहिए, फिर चाहे वो आरसीएम हो या एफसीएम हो? मैं तो, मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये कॉमन होना चाहिए, ये कॉमन होना चाहिए, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो ये आप लोग को सहूलियत दी, कोई आरसीएम में चाहे तो आरसीएम में भी रहे, एफसीएम में चाहे तो एफसीएम में रहे, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि इन डिफरेंस होने से अनहेल्दी फिर कंपटीशन होता जा रहा है। कुछ लोग जो है सो अपनी ट्रक्स ले कर रहे हैं, उसके सब्सिडी ले पा रहे हैं, उससे जीएसटी रिटर्न ले पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल तो ये एक होना चाहिए, चाहे आप जीएसटी सबसे ले लो, आरसीएम ले लो या एफसीएम ले लो, होना चाहिए, मेरा तो व्यक्तिगत विचार यही है। संतोष जी, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि कंपटीशन जो है वो इंडस्ट्री के लिए हानिकारक हम कह सकते हैं, इट इज़ अ नेवर एंडिंग वॉर, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब चेंज तो होगा ही, नेवर एंडिंग तो नहीं हो सकता। जब लोग सब निकल जाएंगे, ऑलवेज हर बिजनेस का डिमांड एंड सप्लाई का एक फंडा रहता है, जिस रोज जो सो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी उस रोज अच्छा हो जाएगा, उस रोज हो जाएगा। क्या स्क्रैपिंग ऑफ ट्रक्स इस प्रोसेस को हेल्प करेंगे? डेफिनेटली डेफिनेटली, देखिए ये 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 हम लोगों के लिए लॉस की बात है, हमारे ट्रकर्स नहीं चाहते कि स्क्रैपिंग हो, कि ये छोटे ट्रकर्स क्या करेंगे, लेकिन देखिए इसको हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनका वर्ल्ड वाइड एक ठो पोल्यूशन का मुद्दा लिया रहा है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट का मुद्दा लिया हुआ है, तो उसमें इनको, हाँ ये जरूर है कि जो अभी सरकार 15 वर्ष बोल रही है, मैं इस चाहता हूँ कि इसकी एक लिमिट और बढ़ा दी जाए, 20 साल या 25 साल कुछ ऐसा किया जाए, जिससे कि बीच का एक रास्ता निकले और हम लोग सब कोई सर्वाइव कर सकें। देखिए स्क्रैपिंग की पॉलिसी तो इनको लानी पड़ेगी, और वो कोई ख़राब भी नहीं है, एक जगह तो हम लोगों को रोकना ही पड़ेगा, सबकी लाइफ तो सबकी होती है, तो लाइफ तो इनको एक बनानी पड़ेगी, एज तो इनको बनानी पड़ेगी, और हमको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संतोष जी, वेस्ट बंगाल में ट्रांसपोर्टर्स के क्या टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं? इस रीजन में तो वैसे तो देखिए नहीं है कोई भी, एक असुविधा हम लोग जरूर फील कर रहे हैं कि अभी नेशनल परमिट जैसे गाड़ियां हो गई, अब वो यदि सपोज कीजिए बंगाल में आ रही है तो उसका एक अलग टैक्स लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। आज नेशनल परमिट यदि किसी भी स्टेट से यदि किसी को भी मिला है तो वो फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, वन कंट्री एंड वन परमिट सिस्टम में होना चाहिए, उसको अलग से कोई नहीं लेना चाहिए। और दूसरी देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्रियाँ यहाँ बहुत कम है, पुरानी इंडस्ट्रियाँ हैं वो कंजेस्टेड एरिया में हैं, तो उसका तो कोई हमारे पास भी और सरकार के पास भी कोई इसका कोई अल्टरनेट वे नहीं है। आज जो नई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं वो डेफिनेटली हाईवे पर लग रही हैं, तो वो ठीक हो जा रहा है। आज जैसे हल्दिया है, हल्दिया अच्छा डेवलपमेंट हुआ, खड़गपुर अच्छा डेवलपमेंट हुआ, दुर्गापुर अच्छा डेवलपमेंट हुआ, कलकत्ता के आसपास का इलाका तो 300 साल पुराना है, क्या कर सकते हैं। संतोष जी, आपने इस इंडस्ट्री को पिछले 50 सालों से देखा है, कई चेंजेस देखे हैं, कुछ एक किस्म का केओस भी हो रखा है इंडस्ट्री में इस समय, इन सब के बीच आप इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए जी साहब, करेंट तो 5 सालों में तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, आने वाले 5 साल तो बहुत डिफिकल्ट हैं, हो सकता है कि 5 साल के बाद में कुछ अच्छा हो, तो मैं नहीं कह सकता, अभी तो नहीं दिख रहा साहब। Well friends, that's it from Trans India this week. We will be back again next week with more news from the road transport and commercial vehicle industry and yet another interesting interview. Do subscribe to our channel. You are watching Trans India. Real people, real emotions. Until next week, stay safe. Jai Hind.